भोपाल एयरपोर्ट में केदारनाथ में फंसे यात्रियों को लेकर ये दूसरा विमान यहाँ पर आज पहुँचा। भोपाल एयरपोर्ट पर अपनों की तलाश में तस्वीरें लेकर पहुँचे ये लोग। दरअसल आज एयरपोर्ट पर 148 लोगों को लेकर एमपी सरकार का विशेष विमान पहुँचा है और ये लोग तस्वीरें लेकर इस उम्मीद में यहाँ आए हैं कि वापस लौटे लोगों से शायद अपनों के बारे में कोई खोज खबर लग जाए। 7 लोग मिसिंग है, केदारनाथ में थे ये लोग 16 की सुबह 10:30 तक, उसके बाद इनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। तो वही यात्री आ रहे हैं, उन्हें आप दिखा रही हैं फोटो? हाँ, फोटो दिखा के पूछ रहे हैं, बट इसमें बद्रीनाथ और जोशीमठ के एरिया के ज्यादा हैं, तो उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है इसमें। केदारनाथ यात्रा पर गए लोगों की वापसी का सिलसिला किसी के लिए खुशी ला रहा है तो किसी के लिए गम। ये आनंदीलाल है, इनके परिवार के 4 लोगों को सैलाब साथ भागकर ले गया। इन्होंने हाथ बढ़ाकर पकड़ने की कोशिश की, जब तक कोशिश की तब तक इनके अपने उफनती लहरों में समा चुके थे। किसी तरह बाकी सदस्यों की जान बचाई गई जो आज वापस भोपाल लौटे। तो रात को ऊपर तो पहाड़ी डल्डी तो ना हिसाब से नीचे निकल गए सब बेचारे। एक देखा अरे हमारा पास में से गए, जो पकड़ते चले गया, खाली लोगड़ा को पल्ला हाथ में आया, कोई कोई के मतलब मेरे से। कुछ ऐसी दास्तान इस लड़की पवित्रा गुर्जर और इनके पिता रूप सिंह गुर्जर की है। इन्होंने तबाही में अपनी बहू और एक बेटी को गंवा दिया। पहाड़ों पर पैदल चलने के दौरान मौत हो गई, जबकि बेटी पहाड़ धंसने से आंखों के सामने ढेरों लोगों के साथ उफनती नदी में समा गई। लोग इस बात को लेकर बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो कम से कम यहाँ पर सुरक्षित वापस आ गए, लेकिन उन लोगों के परिजनों के मन में अभी भी उम्मीद की एक किरण है जो यहाँ पर फोटो लेके खड़े हुए हैं और वापस आने वाले लोगों को दिखाकर ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने उनके रिश्तेदारों को देखा तो नहीं।